टंडू अलियार से रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ कैमी। कायम खानी बिरादरी की जानब से जेडू पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ टंडू अलियार प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क्यादत करते हुए खालिद महमूद कायम खानी, शाहिद इसाफ कायम खानी, शबीर खान कायम खानी, सोहेल जाफर कायम खानी, असलम कायम खानी, अदनान कायम खानी, जलील बलोच ने कहा कि जेडू पुलिस ने हमारे दो नौजवान और एक खातून पर बिला जवाब तशद्दुद किया है जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक नौजवान थाने के सामने से अपने घर जा रहा था, इसको रोक कर मोटरसाइकिल के कागजात का सवाल किया। हमारे नौजवान ने कहा कि मेरा घर के सामने है, मोटरसाइकिल के कागजात की फाइल घर रखी है। कायम खानी नौजवान ने अपने भाई को कॉल करके मोटरसाइकिल की फाइल मंगवाई। इसके भाई के साथ नौजवान की वालदा भी थाने आ गई, जिसके बाद नशे में धुत पुलिस अफिसर शाहनवाज खासके अली ने तीनों पर तशद्दुद करके तीनों को बिला जवाब लॉकअप में बंद कर दिया, जबकि इस वक्त थाने में कोई लेडीज पुलिस मौजूद नहीं थी। लेडीज पर तशद्दुद की खबर जब हमारे लोगों को मिली तो हमारे कायम खानी बिरादरी के लोग थाने पर गए तो थाने का गेट बंद कर दिया गया। पुलिस की जानब हमारे लोगों पर शीलिंग की गई। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध, आई जी सिंध, डी आई जी मीरपुर खास और SSP मीरपुर खास से अपील की कि फिल फ्लोर ऐसे राशि अफिसर को मुअत्तल करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए।